अस्सलामुअलैकुम। नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने एरोमेटिक कंपाउंड को थोड़ा सा नोमेनक्लेचर कर लिया है। सही, एक बात याद रखिएगा, सब्स्टिट्यूशन से मुराद क्या, हमने यहाँ पे दो तरह के नोमेनक्लेचर पढ़ने होते हैं। एक होता है जी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, और एक नॉमन क्लेचर होता है डाई सब्सिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। मोनो सब्सिट्यूटेड के लिए तो हमने दो ही रूल पढ़े थे। एक रूल ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास पहले आप नाम दोगे सब्सिट्यूएंट को, या हम पहले पढ़ चुके हैं सब्सिट्यूएंट नेम आएगा, लास्ट में आपने क्या कर देना होता है वर्ड बेंजीन ऐड कर देना, प्लस बेंजीन। जरा गौर कीजिएगा हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एक बेंजीन है, इसके ऊपर अगर मैं यहां पे क्लोरीन लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं क्लोरीन, तो इसको कहते हैं जी क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। अगर इसी बेंजीन के ऊपर मैं कोई और ग्रुप लगा दूं, यहां पे अगर मैं यहां पे NO2 लगा देता हूं, NO2 है जी नाइट्रो, ये सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है जी नाइट्रो, आगे वर्ड आ जाएगा बेंजीन, क्या आ जाएगा बेंजीन। अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं, यहां पर बेंजीन बना के इसके ऊपर मैं लगा देता हूं C2H5, ये हमारे पास इथाइल है, इसको नाम देंगे इथाइल बेंजीन। सही, पहला रूल हमने ये पढ़ा था। इसके बाद सेकेंड रूल ये पढ़ा था, कुछ कंपाउंड के स्पेसिफिक नेम होते हैं, क्या होते हैं स्पेसिफिक नेम। अब वो जो स्पेसिफिक नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो नाम आपने याद रख लेने, ये हम काफी दफा पढ़ चुके हैं, मैं कुछ एक की एग्जाम्पल यहां पर दे देता हूं। अगर ऊपर वाली साइड पर COOH ग्रुप लगाओ तो इसको हम नाम दे देते हैं बेंजोइक एसिड का, क्या नाम दे देते हैं बेंजोइक एसिड का। अगर बेंजीन के ऊपर, अगर बेंजीन के ऊपर हमारे पास ग्रुप लगाओ OH का, तो इसको नाम दे देते हैं फिनोल का, क्या नाम दे देते हैं फिनोल का नाम दे देते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर मैं ग्रुप लगा दूं CH3 का, तो इसको हम नाम दे देते हैं टॉलवीन का, क्या नाम दे देते हैं टॉलिन या टॉलवीन। सही है था जी, हमारे पास प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अब कहता जी अगर हमारे पास नाम देने पड़ जाए डाई सब्सिट्यूटेड कंपाउंड को, किसको डाई सब्सिट्यूटेड कंपाउंड को, हेडिंग दे दो डाई सब्सिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड का नॉमन क्लिचे पढ़ेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब डाई सब्सिट्यूटेड से क्या मुराद, देखो हमारे पास बेंजीन कुछ इस तरह से होती है, आपने इस चीज को पढ़ चुके हैं, यहां पे एक हाइड्रोजन होता है, छह कार्बन एटम आपस में जुड़े होते हैं। सही है, और छह कार्बन एटम के दरमियान में एक सिंगल डबल इस तरह बॉन्ड होते हैं, और हर एक कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है, हर एक कार्बन के साथ क्या होता है एक एक हाइड्रोजन मौजूद होता है। अगर मैं यहां पर क्या करूं, एक हाइड्रोजन को निकाल के इसकी जगह पर कोई चीज लगाऊंगा, तो इसको कहेंगे मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यहां पर क्या लगा दूं सी एच थ्री, ये वाली चीज है, अंडरस्टूड बात होती है कि उसके साथ हाइड्रोजन मौजूद है। सही है, क्या लगा जी ऊपर वाली साइड में सी एच लगा दिया। अब कहता जी नहीं, अब मैं एक और हाइड्रोजन को रिमूव करके यहां पे अगर मैं ये लगा दूं, सपोज करता हूं क्लोरीन लगा दूं, अब इसका नया नाम होगा। इस चीज को हमने डिस्कस करना, अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, डाई मीन क्या होता है टू, अगर दो सब्स्टिट्यूशन हो जाए मतलब दो हाइड्रोजन को निकाल के उसकी जगह पर कोई नए ग्रुप लगा दो, तो उस वक्त उस कंपाउंड का नाम क्या होगा। देखो कुछ तो इसके स्पेसिफिक नेम है, एक चीज याद रखिएगा, अगर हमारे पास ये बेंजीन है ना, अब ये चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी यहीं पे इस्तेमाल नहीं होंगी, आगे जाके भी इस्तेमाल होंगी। देखो अगर यहां पे कोई ग्रुप लग जाता है, सपोज करता हूं यहां पे कोई एक्स ग्रुप लगा हुआ है, सपोज कर रहा हूं, सही, अब इस ग्रुप के बाद आपके पास जो पहला पहला कार्बन आ रहा है इसको नाम देते हैं ऑर्थो पोजिशन का, क्या नाम दे देते हैं, इसके बाद जो दूसरा दूसरा इस साइड से भी दूसरा और इस साइड से भी दूसरा कार्बन आएगा उसको नाम दे रहे होते हैं मेटा का, क्या नाम दे रहे होते हैं मेटा का, और इसको नाम दे रहे होते हैं पैरा का। ओ से क्या मुराद है, नाम याद रखिएगा ऑर्थो, एम से क्या मुराद है मेटा, पी से क्या मुराद है पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, इसको याद करने का तरीका यह है कि अब यह लफ्ज याद कर लो, ओ एम पी ऑर्थोमेटापैरा, ये तरतीब याद रखने के लिए। सही है, अगर मैं कहूं जी हमारे पास एक ग्रुप लगाओ, अब गौर करना इसके ऊपर, ये हमारे पास बेंजीन है, यहां पे फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है एक्स, इस पोजीशन को क्या कहेंगे जल्दी से बता दो, ये हमारे पास बेंजीनिंग है,
इस पोजीशन को, ये जो हमारे पास लगा हुआ है, इसको क्या नाम देंगे? ऑर्थो है, मेटा है या पैरा है? जल्दी से, ऑर्थो जी, मेटा है। देखो इस फंक्शन ग्रुप से इस साइड पे मैं अगर नाम देता तो 1 2 3, सॉरी इस तरह आएगा, 1 इसका नाम आएगा, 2 3 4, 2 3 4, 2 वाली पोजीशन को क्या नाम देते हैं? 3 वाली पोजीशन को, और 4 वाली को, सही है। सो यहां पे देखो ये वाला हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, जहां फंक्शन ग्रुप लगा उसको नाम देंगे 1 का, क्या नाम देंगे उसको? 1 का नाम देंगे। इसके बाद वाला क्या है जी हमारे पास? 2 है, 2 वाले को क्या नाम देते हैं? ऑर्थो। ये क्या हमारे पास? मेटा। तो ये मेटा है, सही। जरूरी नहीं आपके रिंग रोटेट कर दिए, थोड़ी सी हिला के लिख दें आपको जी मेटा पोजीशन ही चेंज होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है, सही है, ये चीज याद रखिएगा। अब सबसे पहला जो रूल है वो कहता है जी हमारे पास इस चीज को अगर 2 सब्स्टिट्यूट लगे हों तो हम अमूमन ऑर्थो, मेटा और पैरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सही है, ये पहला रूल है। इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, देन वी यूज, तो फिर हम इस्तेमाल करते हैं, देन वी यूज प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस का मतलब पता क्या है? प्रीफिक्सेस कहते हैं ऐसी चीज जो किसी लफ्ज से पहले लिखी जाए, प्री मीन पहले, प्रीफिक्सेस सच एज ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब देखें ये जो मैं अब एग्जांपल दूंगा ना, पास्ट पेपर निकाल के चेक कर लीजिए, ये एग्जांपल पास्ट पेपर में काफी दफा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आई हुई है, सही। अब एग्जांपल आती क्या है, वो कहता है राइट डाउन द नेम्स, नेम भी लिख दो एंड फार्मूला ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ ज़ाइलीन, कि ज़ाइलीन के डिफरेंट आइसोमर्स के नाम और फार्मूला लिखो, जो हमने यहां पे एग्जांपल देनी है। जरा गौर कीजिएगा, आपने क्या करना है, 3 बेंजीन रिंग बना लो, 1 2, और ये हमारे पास आ गई तीसरी बेंजीन रिंग, सही है। 3 बेंजीन रिंग में सब में एक चीज कॉमन है, ऊपर CH3 लगाओ, इसमें भी ऊपर CH3 लगाओ, इसमें भी ऊपर CH3 लगा दो, सही है। अब एक और CH3 लगाना है, अब चेक कीजिएगा, अब वो CH3 एक में पहले कार्बन पे, यानी कि उसके साथ वाले पे लगा दो, एक में उससे नेक्स्ट वाले पे लगा दो, एक में उससे नेक्स्ट वाले पे लगा दो, सही है। अब ये वाली जो चीज है इसको क्या नाम देते हैं? M-xylene। क्या नाम दे रहे होते हैं? M-xylene। इसको नाम दे रहे होते हैं, सॉरी इसको नाम दे रहे O-xylene, ऑर्थो, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन में ये वाली चीज लगी है, ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन में लगा हुआ है, इसे हम इसको नाम देंगे O-xylene। इसको नाम दे रहे थे M-xylene का, क्या नाम दे रहे थे? M-xylene। और इसको नाम दे रहे हैं P-xylene। P से क्या मुराद है? पैरा, सही। ये भी याद रखिएगा, ज़ाइलीन। और भी नाम इनके, और नाम क्या जी? 1, देखो इसको नाम देते हैं 1 या 2, ये 1 2 3, ये क्या होगा? 1 2 3 एंड 4, सही है। अब इसको नाम दे सकते हैं 1 2 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन, ये भी नाम दे सकते हैं इसको। इसका अगर नाम देखूं तो इसका क्या बनेगा? 1 3 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन। और इसका क्या नाम बनेगा? 1 4, क्योंकि पहली पोजीशन पे और चौथी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन। लो जी पहला रूल। अब इसके बाद जो सेकेंड रूल है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद करना पड़ेगा। कहता अगर हमारे पास, देखो यहां पे गौर करोगे ना, अच्छा एक चीज और याद सुन लो, ये ज़ाइलीन क्या है? ज़ाइलीन कंपाउंड जो अमूमन पहले जब नए नए बॉन्ड मार्कर निकले थे ना, उसमें ज़ाइलीन को यूज किया जाता था। अब ज़ाइलीन ना कुछ अरसे के बाद इसको खत्म कर दिया गया, नहीं यूज नहीं करने दिया गया, क्यों? क्योंकि ये कार्सिनोजन था, ये वाली चीज कैंसर काज करता था।
अब जितने भी बोर्ड मार्कर हैं, कुछ बोर्ड मार्कर के ऊपर लिखा होता है स्पेशली नो ज़ाइलीन, इसमें हमने ये वाला कंपाउंड यूज नहीं किया, ये लिखा आता है सही है, तो ये चीज याद रखिएगा। अब इसके बाद अगर हमारे पास देखो यहां पे क्या है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या थे, सेम, ऊपर भी CH3, 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 तो अगर हमारे पास ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाए मुख्तलिफ तो आप प्रायोरिटी ऑर्डर को यूज करोगे। इफ टू डिफरेंट, अगर दो मुख्तलिफ टू डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, अगर दो मुख्तलिफ सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं, देन वी यूज प्रायोरिटी ऑर्डर। प्रायोरिटी ऑर्डर, अब प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है इसको याद करना पड़ेगा और तरतीब सेम रखनी पड़ेगी आपको सही। अगर आपने तरतीब चेंज की तो आपका नाम नीचे वाला गलत हो जाएगा सही। इसको याद करना सबसे मुश्किल पॉइंट्स अगर देखा जाए ना पूरे एरोमेटिक कंपाउंड में, वो जितने भी नोमेनक्लेचर आपकी बुक्स में दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल पॉइंट यही है कि आपको प्रायोरिटी ऑर्डर याद रखना पड़ता है नाम देने के लिए। इसलिए हम अमूमन एरोमेटिक कंपाउंड के नाम थोड़े से मुश्किल माने जाते हैं सही। यहाँ पर क्या प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे पहले आपने प्रायोरिटी देनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, किसको देनी है, फिर आपने सेकेंड नंबर पर जी CN साइनाइड ग्रुप, फिर आपने प्रायोरिटी देनी है CHO एल्डिहाइड ग्रुप को, फिर आपने प्रायोरिटी देनी है COCH3, मतलब ये हमारे पास है ईस्टर लिंकेज, ये क्या हमारे पास ईस्टर लिंकेज है। इसके बाद आपने प्रायोरिटी देनी है फिनॉल को, यानी OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप को देनी है। इसके बाद आप प्रायोरिटी दोगे अमाइनो ग्रुप को, NH2 ग्रुप को। इसके बाद आपने प्रायोरिटी देनी है OR यानी कि ईथर लिंकेज को, और लास्ट में प्रायोरिटी है जी R को। R याद रखिएगा अल्काइल ग्रुप है, R क्या हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, ये जो ऊपर CH3 मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ये सारे के सारे किसके जमरे में आते हैं, आर के जमरे में आते हैं। अब क्या मतलब, अब यहाँ पर जो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आएगा उसका पेरेंटल नेम बनाना है, उसका क्या बनाना है पेरेंटल नेम। द सब्स्टिट्यूएंट सब्स्टिट्यूएंट विच इज प्रेजेंट, जो कि मौजूद होगा प्रेजेंट फर्स्ट प्रायोरिटी इट गिव नंबर वन, या फिर इसको नाम देना है पेरेंटल नेम का नाम देना है सही है। तो ये बात एक सिंपल सी याद रखिएगा। अब कुछ एग्जांपल्स इसके एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, मेरे पास कुछ चांदे के एग्जांपल ये वाली है, ज़रा गौर कीजिएगा। हमारे पास पहले नंबर में ये वाला, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाता हूँ COOH, यहाँ मैं लगा देता हूँ OH। इसके बाद सेकेंड नंबर में मेरे पास मौजूद है ये वाली चीज़ बेंजीन है, इसमें मैंने यहाँ पर लगा दिया CHO ग्रुप और यहाँ पर लगा दिया CH3 सही। इसके बाद मेरे पास ये वाला कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मैंने क्या किया कि यानी कि इसको कुछ इस तरह कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH ग्रुप और यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2, CH3, मतलब इथाइल ग्रुप लगा दिया। पहले इनके नाम दे देते हैं, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा हमने नाम किस तरह देने हैं। देखो सबसे पहला काम होता है जी, इन दो फंक्शनल ग्रुप जो ऊपर लगे हुए हैं या फिर जो दो ग्रुप ऊपर लगे हुए हैं इनको देखो प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, ये वाला प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या आ रहा है पहले आ रहा है। तो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि इसको कार्बन नंबर वन दे दो, गिनती आपने यहां से स्टार्ट करनी है, अब इसके बाद देखो यहां से गिनती स्टार्ट कर ली, अब आप गिनती दे के यहां तक पहुंचना चाहते हो, या तो आप गिनती दे के इस साइड से यहां तक पहुंचोगे या गिनती दे के इस साइड से यहां तक पहुंचोगे, तब कौन सी साइड चूज करोगे जो करीब होगी, उस साइड से गिनती देनी है जहां से आपका सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा सही है। तो मैं इस साइड से दूंगा 1, 2, 3, अब तीन पे क्या लगा हुआ है 3 हाइड्रोक्सी, और देखो अब पूरे का क्या नाम है, ये जो पूरी बेंजीन है आप इसको निकाल दिया, हमें इसकी पोजीशन बता दिए, इस पूरे को बेंजोइक एसिड कहते हैं, बेंजोइक एसिड। अब इसका नाम देने लगा हूं, इसका नाम थोड़ा सा नीचे दे रहा हूं। अब यहां फिर देखो जी प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन पहले है कौन बाद में,
अब आपके प्रायोरिटी ऑर्डर में ये वाली चीज देखो, सी एच ओ ये पड़ा हुआ है और सी एच थ्री असल में आर है। असल में क्या हमारे पास आर है, तो आप क्या करोगे यहां पे इसको कार्बन नंबर वन दोगे, ये हमारे पास प्रायोरिटी में पहले नंबर में मौजूद होगा, दैट्स व्हाई इट गेट कार्बन नंबर वन, और इसके बाद टू और यहां पे क्या आ जाएगा थ्री। नंबरिंग उस साइड से देनी है, उस साइड से नंबरिंग देख उस चीज तक लेके जाना है जिस साइड से वो सब्स्टिट्यूएंट करीब होगा। अगर आप इससे भी इस साइड से दोगे तो आपका गलत होगा ना। ये क्या हो गया थ्री मिथाइल, सॉरी मिथाइल, ये थ्री मिथाइल, और इसको कहते हैं जी ये पूरी, अब इस चीज का क्या नाम है, एक हमने कॉमन नेम पढ़ा था, इसको कहते हैं जी बेंजल्डिहाइड, बेंज एल्डिहाइड। अब आ जाओ इसके ऊपर प्रायोरिटी ऑर्डर में देखा जाए तो OH और ये हमारे पास क्या है, ये वाला याद रखिए इथाइल मिथाइल, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास आर है, अल्काइल ग्रुप है। अब फिनोल ये वाला OH ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आ रहा है, आर क्या आ रहा है बाद में, तो आपने नंबरिंग कहां स्टार्ट करनी है, यहां से वन टू थ्री फोर। अब आप नंबरिंग इस साइड से दे दो या इस साइड से दे दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका नंबर फोर ही बन रहा है। क्या बनेगा इसका नाम, फोर इथाइल, फोर इथाइल, और इसके बाद हमारे पास नाम फिनोल। सही, इसका बता दिया आप चार पोजीशन पे इथाइल लगा हुआ है, बाकी जो चीज पूरी की पूरी बचती है इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, फिनोल का नाम दे रहे होते हैं। क्लियर है ये वाला पॉइंट, मतलब आपने करना क्या है इसमें कि जो प्रायोरिटी में पहले आएगा उसको पहले नाम देना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में देना है। सिर्फ वाहत पॉइंट आपकी पूरी बुक में से मैं कह दूं ना, पूरी बुक में से वो ये वाला इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और इंपॉर्टेंट मैं नहीं कहूँगा, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर को देखना पड़ता है, फिर आपको चूज करना पड़ता है कौन पहले आ रहा है, फिर उसके हिसाब से आपको नाम देना पड़ेगा। अच्छा, अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास प्रायोरिटी ऑर्डर में नाम आता ही नहीं है, यानी जो दो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं तो प्रायोरिटी ऑर्डर में वो सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तो उस वक्त क्या करना है, कहता आपने उस वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से तरतीब देनी है, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट में आएगा उसको कार्बन नंबर वन दे देना। थोड़ा ना ये कंफ्यूजिंग है, आपको ऐसा लगता है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आए उसको पहला नाम देना चाहिए, कार्बन नंबर वन देना चाहिए, लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्ट है, यहां पर थोड़ा सा काम उल्ट है, चेक कर लीजिएगा। चलो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन प्रायोरिटी ऑर्डर देन द सब्स्टिट्यूएंट, वो वाला सब्स्टिट्यूएंट हैविंग लास्ट अल्फाबेट गेट्स नंबर वन, या पेरेंटल नेम भी कह सकते हो, इसको पेरेंटल नेम आप दोगे, पेरेंटल नेम क्या आप जो लास्ट में मौजूद होगा। और याद रखिए ये रूल पेपर में नहीं आते, पेपर में आपको सिर्फ और सिर्फ नाम देने के लिए आएगा, क्या आएगा आपको सिर्फ और सिर्फ नाम देने के लिए आ रहा होता है, तो ज़रा गौर कीजिएगा आप यहाँ पर क्या बात मैंने कही है। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल, क्योंकि बात बेसिकली समझ आती है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल से, सही, वैसे आपको कभी भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि बात मैंने कही क्या है। देखो जी मेरे पास कुछ तीन तरह के एग्जाम्पल यहाँ बना लेते हैं, मेरे पास एक में NO2 लगा हुआ है और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, एक मैंने यहाँ पे Cl लगा दिया, एक मैंने यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, एक मैंने यहाँ क्या लगा दिया आयोडीन लगा दिया, और यहाँ पे NO2 या फिर कोई भी चीज़ लगा दो, क्लोरीन लगा देता हूँ। चलो लो जी मैं इनको नाम देना चाहता हूँ। देखो जी आपके पास सब्स्टिट्यूट का नाम पता होना चाहिए, इसको कहते हैं नाइट्रो, क्या नाम दे रहे थे इसको, नाइट्रो का नाम दे रहे थे। नाइट्रो किससे स्टार्ट हो रहा है, एन से। ये क्या है हमारे पास क्लोरो, क्लोरो स्टार्ट हो रहा है सी से, क्लोरो किससे स्टार्ट हो रहा है। कहते अब आपने प्रायोरिटी देनी है जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट में आएगा, सही, लास्ट अल्फाबेट होगा। देखो इन दोनों में से लास्ट में कौन सी चीज आ रही है, एन, तो आप इसको कार्बन नंबर वन दोगे, इसको कार्बन नंबर टू दोगे, इसको कार्बन नंबर थ्री दोगे, सो नाम क्या बनेगा, थ्री क्लोरो नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो
बेंजीन। क्लियर है कि हमारे पास थ्री क्लोरो, बाकी सारे को इकट्ठा नाम दे देना नाइट्रो बेंजीन। ये वाली चीज पेरेंटल नेम होता है, आपने इसको पेरेंटल नेम देना है। पेरेंटल नेम जिस तरह आपका नाम होगा, जो भी नाम होगा आपके, पहले आपका नाम होगा, इसके बाद अबू का नाम आ रहा होता है। पेरेंट का नेम हमेशा लास्ट में आता है, पेरेंट का नेम हमेशा लास्ट में आ रहा था। चलिए मैं इसका नाम देना चाहता हूँ। देखो इन दोनों में, देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है सी से और ये स्टार्ट हो रहा है बी से। एक स्टार्ट हो रहा है सी से, एक स्टार्ट हो रहा है बी से, तो आप प्रियोरिटी किसको दोगे? सी वाले को। वन टू थ्री, थ्री ब्रोमो, थ्री ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, सॉरी थ्री ब्रोमो, सही है। आपने प्रायोरिटी सी वाले को बाद वाले में देनी है, सही है। क्लोरो क्लोरो बेंजीन। अब इसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों हमने आखिर वाले को पहले लिया है, इसकी मैं रीजन भी बताऊंगा अभी। तो अब इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या है जी, हमारे पास आयोडीन आयोडोसिस आई से, क्लोरीन सी से, यहाँ से वन टू थ्री जो बाद में आएगा उसको प्रायोरिटी देनी है। ये क्या बन जाएगा, थ्री क्लोरो, थ्री क्लोरो इसके बाद आयोडो बेंजीन, आयोडो बेंजीन। अच्छा अच्छा, आप ना आप एक थोड़ी सी चीज़ पीछे चले जाओ, नॉमन क्लेचर ऑफ अल्केन पढ़ा है, नॉमन क्लेचर ऑफ अल्केन, वहाँ पे आपने एक चीज़ पढ़ी थी, आपने जो भी सब्सिट्यूएंट होगा उसको नाम देना है अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है नाम उसको पहले दोगे, जो बाद में आ रहा है बाद दोगे। अब जरा गौर करोगे ना, इसमें अल्फाबेटिक ऑर्डर के लिहाज से सब्सिट्यूएंट आ रहे हैं, सी आई सी एन, सही है। यानी कि आपके सब्सिट्यूएंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर आ रहा है, लेकिन ऊपर ना चेक करो, ऊपर उन्होंने रूल बनाया ही इस तरह है, इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए कि हमारे पास जो नीचे नाम आ रहा है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से, किस लिहाज से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिहाज से। अब इसके बाद लास्ट वाला जी हमारे पास रूल, सही है। लास्ट वाला रूल सिंपल सा है, इसको बस वैसे समझ लो, बेसिकली वो इसके रेलिवेंट है, इसे काफी ज्यादा मिलता जुलता है। कहता अब कुछ कंपाउंड हमारे पास होते हैं ये वाले, यहां पे CH3 लगा हुआ है, यहां पे Cl लगा हुआ है। अब इसके बाद ये वाला यहां पे आयोडीन लगा हुआ है, यहां पे तो मैं ऊपर वाली साइड पर लगा देता हूं OH लगा हुआ है। कहता कुछ कंपाउंड्स इस तरह के होते हैं कि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, एक क्लोरो और एक क्या है, मिथाइल है। लेकिन अगर आप यहां पर गौर करोगे ना, एक जो सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, अगर इसको मैं पूरे बेंजीन रिंग के साथ मिला के पढ़ता हूं ना, एक स्पेसिफिक नेम बनता है, स्पेसिफिक नेम बन रहा होता है। और ये स्पेसिफिक नेम क्या है यहां पे, टॉलिन। कहते आपने इसको प्रायोरिटी देनी है। फिर देखो वन टू थ्री फोर, फोर क्लोरो, फोर क्लोरो टॉलिन। यहां पर भी गौर करो, अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो ये वाली चीज मेरे पास पूरी पूरी एक स्पेसिफिक नेम दे रही है। और ये स्पेसिफिक नेम क्या है हमारे पास, फिनॉल। सो हमारे पास क्या होगा, वन टू टू आइडो, टू आइडो फिनॉल, सही है। तो आपने इसका नॉमन कर दिया, काफी सारा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो गया है, ये सबसे ज्यादा मुश्किल यही माना जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, वो आपका ये वाला है, इसको सुसन याद रखिएगा, वरना आपके पास सिंपल से आएंगे, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं होगी। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।